हम निकालेंगे पोजीशन और टाइम के अंदर रिलेशन, ठीक है। जो सेम ग्राफ था वही ग्राफ रहेगा, इसके अंदर भी देखिए कैसे निकालते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस एस। अब हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पिछले जिसमें हमने पिछली इक्वेशन में बात की थी कि यू इनिशियल पोजिशन इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, वी वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा है, ए उसकी एक्सेलरेशन में चेंज आया, इतनी एक्सेलरेशन का चेंज करके वो मतलब पहुंचा है वी तक, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर्ड किया होगा ना। इस डेरिवेशन में हम वो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस एस। उसने एस डिस्टेंस के डिस्टेंस को जो है ट्रेवल किया है टी टाइम में अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है। एस डिस्टेंस को उसने ट्रैवल किया है, और सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय एरिया कवर्ड इन ओ ए बी सी। तो डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है वो हम इस एरिया के हेल्प से निकाल सकते हैं, कौन सा ओ ए बी और ये सी, अंडर वी टी ग्राफ जो कि ए और बी को